हेलो फ्रेंड्स, नकली पांडे शो आपका स्वागत है। दोस्तों, दुर्गा पूजा के टाइम एक बंगाली मूवी ड्रैकुला सर नाम की आई थी वो, और बहुत चली थी वहाँ पे। लाइक बहुत हाइप हुई थी, बहुत फेमस भी हुई थी वेस्ट बंगाल में, और काफी काफी नाम कमा काफी गई थी। एक्लेम्ड है। हाँ, हाँ एक्लेम्ड है, और बोल रहे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है एक्टर्स का। इसमें हम अनिर्बन भट्टाचार्य, मिमी चक्रवर्ती ऐसे कलाकार को देख पाएंगे। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं दोस्तों। इसका डायरेक्शन देवोलय भट्टाचार्य जी ने किया है, और ये SVF प्रोडक्शंस का है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम हमारा चैनल जो है एक कोई एक बंगाली मूवी पे बंगाली अपना ट्रेलर पे हाँ अपना रिएक्शन रिएक्शन देने देगा। वाला। इससे हाँ पहले हमने कुछ तेलुगु रीजनल मूवी और मराठी मूवी पे दिया था। ये फर्स्ट टाइम है हम जो वेस्ट बंगाल से एक मूवी उठा रहे हैं अपना रिएक्शन के लिए। तो दोस्तों, आइए ये ड्रैकुला सर का ट्रेलर पे रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कैसा है। आइए दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर था, नहीं? लाइक बहुत दिनों के ऐसा कुछ यूनिक ट्रेलर तो नहीं देखे हम लोग, है हाँ, ना? एक्चुअली बहुत दिन से हॉरर मूवी का ही नहीं देखे हम एक्चुअली ये हॉरर तो। है या कोई बस आदमी है जिसका वो टीथ है ऐसा, या क्या है समझ नहीं आ रहा है ठीक से। टीथ है अब तो लग रहा है, कोई एक टीथ तो सर है, का मतलब जो कोई ऐसा जिसका पहले नहीं था, बाद में आया है शायद, बाद इसीलिए में वो आए क्या? छुपाने का कोशिश कर रहा है वो ओके दांत ओके, को। बट मुझे तो ऐसा लग रहा शायद उनका था और वो छुपाने ट्राई ही कर रहे, क्योंकि एक दो सीन में कोई उनको ड्रैकुला सर भी बोलता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा शायद सर का है कि वो बहुत डर के सहमे हुए रहते कि उनका शायद ऐसा टीथ है, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। और ये जो सुन के लगा 70s का टिकट का दिखा रहा है, जहां पे कुछ रिवोल्यूशन का बात हो रहा है, लाइक वो माओइस्ट नक्सल का टाइम का बात हो रहा है, रिवोल्यूशन में कुछ बात हो बंगाल रहा में है जो था। हाँ, हाँ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उनका उससे क्या रिलेशन है, इनका बीच स्टोरी में में उसका स्टोरी क्या में उसका क्या रोल है कनेक्शन है। एक हाँ सर का जो माने ड्रैकुला जैसा दिख रहा है, क्योंकि टीथ है करके उनको ड्रैकुला बोला जा रहा है ऐसा लग रहा है। और इसमें फिर जो मिमी चक्रवर्ती का क्या रोल है उनका उसमें, क्योंकि कुछ दिन में ऐसा लगा कि ये जो अनिर्बन भट्टाचार्य जी है जो ड्रैकुला सर का कर रहे हैं वो भागते हुए नजर है, लाइक है ना अपना सब कुछ डर के, वो जो एक ब्लैंकेट ऐसा लेके जा रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो भाग रहे हैं, और या तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि जैसा है तो है बोल के। बट काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर था, नहीं? टू गुड, बहुत दिनों के ऐसा कुछ यूनिक ट्रेलर देखने मिला है ना, लाइक बहुत अच्छा लग रहा। ऊपर से दैट टू फ्रॉम एक रीजनल कॉलीवुड से आया तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ना। वेस्ट बंगाल से आया है, बहुत धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेसिव होते जा रहा है, लाइक हमारा रीजनल जो भी मूवीज मूवीज है ना। मूवीज या ऐसा नहीं कि बस हिंदी पे ही एक लिमिटेड है, साउथ के तो इंडस्ट्री अच्छा था ही। बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर वेस्ट बंगाल से भी एक अच्छा मूवी आया, लाइक ये बहुत लाइक प्रेज वर्दी एक्लेम्ड मूवी जैसा लग रहा है, और बहुत ही काफी अच्छा है। कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, बहुत कुछ हाँ है एक ही मूवी में। हाँ हाँ स्टोरी हाँ ना। हाँ मतलब वो एक ड्रैकुला सर जो है उसका एक लाइन है, स्टोरी लाइन है, प्लस वो जो रिवॉल्यूशन रेवोल्यूशन 70s का का डेलीगेट है, का है, और तो जो वो काम कैसे किए वो बहुत ही पूरा मिलाया बहुत ही अच्छा लगा, नहीं वो देख के, वो अनिर्बन भट्टाचार्य जी का बहुत ही अच्छा लगा देख के। लाइक एक वो छुपा के जो कर रहे थे लग रहा है कि कोई सर ऐसा डर रहा है, फिर सामने एक्चुअली आने वो से मुझे कैसे लगता है वो खुद ही ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनका जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्ट होगा भाई। वो। मजा आया देख के, लाइक शायद बहुत कभी ही कभी ऐसा लग रहा था कि वो अपना वो अंदर का चीज कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, हाँ हो सकता है, ऐसा लगा, पता नहीं अब। हो भी सकता है, मुझे लग रहा है एक्चुअली बहुत कंट्रोल कर रहे डर रहे। और वो मिमी चक्रवर्ती शायद ऐसा कुछ रोल प्ले कर सकती है वो निकालने के लिए, क्योंकि वो लास्ट लास्ट में कुछ एक डायलॉग बोलती है ना कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई योर एनिमीज एनिमीज एंड या किल देम ऑफ बोलती है वो, देन लाइक समथिंग रिलेटेड टू क्यों किल देम ऑफ है और कौन है एनिमीज भी ठीक से मालूम नहीं चल रहा, राइट? कि बस वो चिढ़ाने वाले हैं या फिर ये उसका बीच में वो 70s 80s का जो दिखा रहा है माओइस्ट नक्सल का क्यों दिखा रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है ना। एंड ये फिर वो दुर्गा पूजा के टाइम रिलीज हुआ था तो अच्छा ही चला था, बहुत ही काफी हुआ अच्छा है। रिसेप्शन था हाँ इसका, हम लोग ऐसे इसीलिए जान नहीं पाए, बट जब भी जाने हैं तो बस इंटरेस्ट हुआ एक देने के लिए, तो अच्छा फील हो रहा है देखिए। लाइक बहुत एक्चुअली खुशी हो रहा है ये ट्रेलर देख के एक्चुअली, है ना?
एक्चुअली अब तो देखने का भी मन हो रहा है। मैं एक्चुअली दोस्तों बता दूं, मैं हॉरर मूवी अगर इस टाइप का है तो मैं अवॉइड ही करता हूं, मुझे बहुत डर लगता है। स्वेच्छा का बहुत पसंद है इस टाइप का मूवीज, तो अगर हमने देखा था दोस्तों आपको जरूर बताएंगे ये कैसा रहा, जरूर, जरूर देंगे, बहुत ही अच्छा लगा आपको दोस्तों। अगर या फिर आपने ये मूवी देखा है तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कैसा मूवी है और आपको कैसा लगा ये ट्रेलर जिन्होंने नहीं दिया है हमको जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लाइक अच्छा एक थीम चूज हुआ है ना, बहुत एक डिफरेंट यूनिक थीम चूज हुआ है, अच्छा लग रहा है देख के, जो भी इतना भी सीन्स बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।